हेलो एवरीवन, दिस इज आवर कंसर्न एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। सो आज के द इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस आज 27 मई, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली न्यूज़ है, नो इंटेंशन टू वायलेट प्राइवेसी ऑफ यूजर्स, प्रसाद। तो इसमें जो प्रसाद वर्ड लिखा हुआ है, रविशंकर प्रसाद, ये मिनिस्टर है हमारी आईटी मिनिस्ट्री के, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, जो इसकी पास्ट स्टोरी है वो ये है कि जो आईटी है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उनके नए रूल्स आए थे जो एक लिमिट के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको कंप्लायंस करना था। कंप्लायंस मतलब उन रूल्स को फुलफिल करना था, 25 मई तक। 25 मई वॉज अ डेडलाइन। तो उसके बाद जैसे 2 दिन हुए हैं, तो कुछ जो ऐप्स हैं उन्होंने तो एक्सटेंशन कर दिया, बट व्हाट्सएप ने एक चीज़ करी है वो इस न्यूज़ में है। तो इसमें दूसरी टर्म समझ लेते हैं, ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ मैसेजेस। तो आईटी रूल्स जो अभी नए मैंने बताया नए आए थे, उसके अंदर एक जो टर्म थी, एक रूल था, वो ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये होना चाहिए कि मैसेजेस जो हैं, कोई भी मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगे उसका वो ओरिजिन ट्रेस कर सकें, कि मतलब वो सेंडर उसका बेसिकली ट्रेस कर सकें कि ये कौन है। तो व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट में इसी के अगेंस्ट केस कर दिया है। व्हाट्सएप मूव टू एच सी अगेन न्यू अगेंस्ट न्यू आई टी रूल्स सेइंग न्यू दे अंडरमाइन राइट टू प्राइवेसी। तो व्हाट्सएप ने जो न्यू आई टी रूल्स हैं, इसी ग्राउंड पर, जो ये वाला मैंने आपको बताया ट्रेसिंग ओरिजिन ऑफ मैसेजेस, इसी ग्राउंड पर हाई कोर्ट में केस कर दिया है न्यू आई टी रूल्स के अगेंस्ट। और जो उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट दी है उसमें कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इसमें अंडरमाइन हो रहा है। बट कल ही, अभी इसको इस कोर्ट की सेइंग नहीं हुई है, बट रविशंकर प्रसाद ने खुद ये कहा है कि नो इंटेंशन टू वायलेट प्राइवेसी यूजर्स। तो जो प्रसाद और मतलब हमारी मिनिस्ट्री एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही है, कह रही है कि ये प्राइवेसी ऑफ द यूज़र्स को वायलेट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये कोई स्कैम्स होते हैं, अब ई स्कैम्स बढ़ रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए ज़्यादा है। सेकंड न्यूज़ पे आते हैं, आफ्टर पिकिंग अप स्टेट्स इन बिग बास्केट एंड IMG, टाटा हायर्स केयरफिट बाय टू बिल्ड डिजिटल मसल। तो उसमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो टाटा है उनका शेयर, टाटा ने बेसिकली अभी दो, आप कह सकते हैं स्टार्टअप्स को, या फिर एक बिग बास्केट और IMG। बिग बास्केट तो वेल नोन है, पर IMG एक स्टार्टअप है, इन दोनों को अक्वायर किया है। बिग बास्केट में टाटा का शेयर 68% है और 1MG में 65%। तो आपको पता ही होगा 51% से प्लस होते ही आप उसको अक्वायर कह सकते हैं। तो बिग बास्केट और 1MG को अक्वायर कर लिए टाटा शेयर से। तो अब न्यूज़ क्या है, अब न्यूज़ ये है कि एक और स्टार्टअप है क्योरफिट, जिसके फाउंडर हैं मुकेश बंसल। मैं आपको बता देता हूँ कि मुकेश बंसल इसके फाउंडर हैं और जो स्टार्टअप है उसका नाम है क्योरफिट। ये भी एक फिटनेस एंड वेलनेस बींग ऐप है, बेस्ड ऐप है। तो इनको भी अब टाटा अक्वायर करने का मतलब सोच रहे हैं, प्रपोजल है। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स। तो ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये सब, तो ये दो टाइप्स में मेनली हो सकती हैं, कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन। तो इसको अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक टाइप है। अगर आपको पूरी वीडियोस पे चाहिए, अगर आपको डिटेल में समझना है, तो आप एक कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। पर अभी इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, स्ट्रीमिंग वॉर्स अमेजॉन रोड्स विद 8.4 बिलियन MGM परचेज। तो MGM, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मेट्रो गोल्डविन मेयर, मेट्रो गोल्डविन मेयर, ये एक जो है प्रोडक्शन हाउस है। तो अमेजॉन ने इसको मतलब परचेज कर लिया है 8.45 बिलियन के लिए। इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर सीरीज़ हैं उनका वो है, मतलब उनका प्रोडक्शन हाउस खुद है। यहाँ पे खुद भी लिखा है, जेम्स बॉन्ड की पूरी फ्रेंचाइज है और मार्वल की काफ़ी सारी मूवीज, डिज्नी प्लस की काफ़ी सारी जो शोज़ हैं वो यहाँ पे शूट हुए हैं। तो अमेजोन ने ये परचेज कर लिया, ये नेटफ्लिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो डिज़ास्टर्स बात हो सकती है। तो ये न्यूज़ है। तो रिलेटिव बिजमैन मेहुल चौकसी हेल्ड इन डोमिनिका। तो कल ही मैंने न्यूज़ बताई थी, मेहुल चौकसी जो PNB फ्रॉड में, मैं भी लिख देता हूँ, PNB फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, वो फरार हो चुके हैं, मतलब कल लॉस हो चुके हैं, उनको फाइंडिंग चल रही थी। तो आज ही वो मिल चुके हैं, या फिर मैं जो है स्टेट का नाम बता देता हूँ उसके बाद, डोमिनिका, ये एक जगह है जहाँ पे ये मिल चुके हैं। नेक्स्ट, फैमिली ट्रस्ट इन स्पॉटलाइट आफ्टर एपेक्स कोर्ट रूलिंग। तो यार ये एक नया केस है, इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो पेज नंबर 8 पर पूरी डिटेल है, इस बढ़ सकते हैं। कंपनी या फिर कोई पार्टी का नाम इसमें दिया हुआ है नहीं इधर। सेकेंड चलते हैं, RIL rolls out मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। RIL का मतलब क्या, कुछ नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो इन्होंने एक वैक्सीनेशन ड्राइव निकाली है, बट ये किसके लिए है, जो इनके खुद के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, और जो इनके जो सब्सिडरीज हैं उनके एम्प्लॉय, एस ई लिख देता हूँ, सब्सिडरी एम्प्लॉय उनके लिए, और जो इनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके एम्प्लॉय उनके लिए, और खुद के उनके इन्वेस्टर्स के एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ जो सब्सिडरी के एम्प्लॉयज़ हैं वो, और जो इन्वेस्टर्स के एम्प्लॉयज़ हैं वो, तीन मतलब ग्रुप्स के लिए मेनली ये इन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव निकाल दिया।
तो इसमें वैक्सीनेशन के लिए इन्होंने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से जो है वैक्सीन सोर्स करी है, और जो लगाने का प्रोसेस है और पूरा मतलब जो सेटलमेंट है पूरा, वो एजी और गामेलिया से जो है सोर्स किया है। एजी की अगर आपको वो पढ़नी हो तो कोल्ड स्टोरेजेस का है इनका, कोल्ड स्टोरेज चेन्स है दोनों। एजी का मतलब होता है एस्ट्राजेनेका, और गमालिया का मतलब है ये गमालिया, गमालिया तो मतलब बेसिकली है ये स्पुटनिक 5 जो वैक्सीन है उनके जो प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं, मोर इंडियन मल शिफ्टिंग बेस अब्रॉड एमिड पैंडेमिक पेन। तो इसमें कुछ नहीं है, ये ज़्यादा फैंसी उसमें न्यूज़ दे रखी है, पर ये इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ है। तो अगर आपको अब तो पता ही है कि जो इंडिया में अभी भी कोविड का हाल इतना सही नहीं है, पर काफ़ी सारे कंट्री में सही हो चुका है, तो जो काफ़ी सारी पॉपुलेशन है वो इमिग्रेट कर रही है काफ़ी मतलब डेवलप कंट्रीज़ में, US, कनाडा एंड अदर कंट्रीज़। फॉर इसमें बेसिक मेन रीज़न आज के टाइम पे ही बन चुका है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के टाइम पे वैसे तो इमिग्रेशन होता ही है, और इमिग्रेशन का वैसे रीज़न इनकम इनइक्वालिटी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड रहता है, पर आज के टाइम में शिफ्ट है और ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बन चुका है कि यहाँ पे हेल्थ की अवेयरनेस ही नहीं, मतलब अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो इसमें एक डेटा इन्होंने यहाँ पे पुट किया है, इमिग्रेशन क्वायरीज अप 20%, मतलब इमिग्रेशन के प्रोसेस से क्वायरीज पहले करनी पड़ती हैं, कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो 20% से इंक्रीज़ कर चुकी है लास्ट 2 मंथ्स में। अब बढ़ते हैं आगे, ये एक ये आर्टिकल है, स्टेट्स हैव 17.75 मिलियन वैक्सीन डोजेज इन स्टॉक। तो इसमें ये दो इन्होंने पाइट चार्ट दिए हैं, सबसे पहला चार्ट है कि वैक्सीन का जो अलग अलग स्टेट्स में वो हैं कितनी, दूसरा है कि वेस्टेज कितना, वेस्टेज का रेट कितना चल रहा है। मैंने आपको पहले एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें 1% नेशनल एवरेज क्लोज होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं अभी तो, और ये हमारा फर्स्ट पेज हो चुका है कवर। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आपको उस कमेंट में ही या फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट पेज फिर दें, आफ्टर एंटी रेबाइज डोज US रिपोर्ट्स कॉकटेल वैक्सीनेशन। तो यार ये अगर आप पूरा पढ़ोगे तो ये थोड़ी फनी न्यूज़ ज़्यादा है। इसमें क्या हुआ है कि जो 20 पीपल का ग्रुप है पूरा, मतलब 20 पीपल हैं, उनको यूपी में 2 वैक्सीन के डोजेस लगे, और उनके साथ यार थोड़ा सा गेम हो गया कि पहली वैक्सीन का डोज उनको कोवैक्सीन लग गया, फिर वापस से कोविशील्ड लग गया। तो इसके खिलाफ उनके ऊपर केस भी हुआ है, जो डॉक्टर्स हैं वो पूरा मतलब सर्जन है उनके ऊपर, और ये इन्होंने आर्टिकल है। ओपोजिशन स्टेट्स टू सीक GST वेवर ऑन कोविड गुड। तो यार ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दो चीज़ें इसमें पास्ट स्टोरी की तरह। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो GST का काउंसिल है उनकी मीटिंग होने वाली है कोविड वेवर गुड्स में कल ही, मतलब फ्राइडे को ही, हालांकि ये न्यूज़ कल प्रिंट होगी, बट फ्राइडे को जो है GST काउंसिल का मीट है। तो अब क्या है कि इनके पास 2 प्रपोजल हैं GST काउंसिल के पास कोविड गुड्स के रिलेटेड, कोविड गुड्स से रिलेटेड 2 प्रपोजल्स हैं। एक तो अभी एग्जेम्प्ट कर दें, दूसरी बात कि इन पे 0.1% का नॉमिनल सा टैक्स रेट लगा दें, इम्पोज कर दें। तो इसमें एक कैच था, उस पूरा आर्टिकल नहीं था वो। दूसरी बात, ये जो है जो एग्जेम्पशन और 0.1% है ये वैक्सीन के ऊपर है, दो और जो दूसरी कोविड के गुड्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मास्क और इन सब के ऊपर अभी भी 12% लग रहा है, और जो प्रपोजल है उसमें इसको रिड्यूस करके 5% करने की बात हो रही है। तो अगर कोई स्टेट को, अगर कोई आपको एक्सप्लेन करता है कि 0.1% भी स्टेट नहीं चाहती कि हो सेंटर के पास, तो वो गलत बात है। स्टेट का ज़्यादा प्रपोजल इसके ऊपर है कि 5% जो अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ऊपर वैसी अवेलेबिलिटी नहीं है, और 5% और उसके ऊपर GST लग रहा है, तो उसको कम से कम एग्जेम्प्ट कर दें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये वो न्यूज़ है कि जो अपोजिशन स्टेट्स, तो इन्होंने पॉलिटिकल बनाने के लिए लिखा है यहाँ पे, जो है स्टेट्स के नाम दिए हुए, राजस्थान, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ सॉरी, पंजाब, झारखंड, बंगाल, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन्होंने इस गुड के ऊपर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अदर मास्क एक्सेट्रा, इन गुड्स के ऊपर GST वेवर यानी फुल्ली एग्जेम्प्ट करने का प्रपोजल रखा है, क्योंकि कल मीटिंग होने वाली, तो ये अपना अपना से तो रख ही सकते हैं। तीसरी बात, यास रेवेजेस, तो आपको पता ही होगा यास यह हिट कर चुका है, और ओडिशा और वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब डिस्ट्रक्शन किया है, 4 डेड की रिपोर्टिंग है, और झारखंड सेज ऑन हाई अलर्ट। झारखंड के अंदर अभी हिट नहीं करा है, पर जो है प्रिडिक्शन है कि हिट हो रहा है और हाई अलर्ट पे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उधर जो है फीचर्स फैसिलिटीज़ कर दी हैं अभी के लिए मेंटेन। आगे चलते हैं, तमिलनाडु क्लोज टू रीचिंग पीक और नो कोविड। तो ये कोविड केसेस से रिलेटेड न्यूज़ है, तमिलनाडु में ज़्यादा हो रहे हैं। कैन नॉट हैव अ वर्ल्ड पार्टली वैक्सीनेटेड नॉट पार्टली नॉट, को तो कल एस जयशंकर, मैंने आपको बताया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनकी एक न्यूज़ थी कि मतलब इन्होंने जो US के मिनिस्टर्स हैं उनसे जो डील करी है, उनमें ये एक स्टेटमेंट ये है कि एक वर्ल्ड में यार पार्टली वैक्सीनेटेड का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि म्यूटेट करके जैसे कोविड के नए म्यूटेंट्स हैं वो आ सकते हैं, जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनसे भी, तो जो वैक्सीनेटेड हैं उनको भी फिर खतरा है। सेंटर वर्किंग ऑन पैकेजेस फॉर डोज लॉस्ट, ये यार कोविड रिलीफ से रिलेटेड न्यूज़ है। मैं आपको एक न्यूज़ बताता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेट्टी
ये एम्बेसडर, US एम्बेसडर टू इंडिया बनने वाले हैं, मतलब बन सकते हैं, अभी कोई कंफर्म नहीं है, बट US एम्बेसडर टू इंडिया। तो यार ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पहले भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं जिससे US और इंडिया की जो टाई है, मतलब बॉन्ड है, वो इकोनॉमिक बॉन्ड, वो जो है फर्दर हुआ है, मतलब इंक्रीज़ हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि US और इंडिया का जो मतलब पॉलिटिकल बॉन्ड है, इकोनॉमिक बॉन्ड है, उससे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इफेक्ट करती है। तो अगर ये बन जाते हैं तो इसे डेफिनेटली कोई फ़र्क पड़ेगा। एमिड COVID-19 रूरल स्प्रेड BJP प्लान्स टू रीच आउट, ये भी को इंसिडेंट बेस्ड न्यूज़ है, पढ़ सकते हैं अगर उसमें है तो। ग्लोबल टेक सेट हेल न्यू इंटरफेस स्टैंडर्ड, ये भी अब प्रेफर रेजोल्यूशन टू लिक्विडेशन, JP लेंडर्स अश्योर होम बायर्स। तो यार अभी क्या हुआ है कि JP लेंडर्स ने, JP लेंडर्स मतलब एक वो कंपनी है जो हाउस बनाती है, जैसे पहले हाउस की बुकिंग्स हो जाती हैं फिर हाउस बनाते हैं, जो फ्लैट सिस्टम चलता है। तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ कि अब आपको पता ही, लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं तो फिर जो कंस्ट्रक्शन है वो कम हो रखी है, ऑलमोस्ट नील हो रखी है। तो अब जो जैसे स्टेट्स में लॉकडाउन खोल रहे हैं तो जो वहाँ पे बायर्स हैं जिन्होंने वहाँ पे ख़रीद रखा है, तो वो JP लेंडर्स के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि या तो उनकी मनी रिफंड करें या फिर कंस्ट्रक्शन अब चालू करें। तो अब मतलब ये बेसिकली न्यूज़ ये है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू कर दी है और इन्होंने थोड़ा फैंसी बनाने के लिए लिखा है प्रेफर रेजोल्यूशन टू लिक्विडेशन, मतलब लिक्विडेशन मतलब कि उन्हें जो मनी वो सारी रिटर्न करनी पड़ेगी, उससे बेहतर है कि रेजोल्यूशन, मतलब अपने जो उन्होंने कहा है, जो बोला है वो कर दें, रेजोल्यूशन कर दें, मतलब रेजोल्यूशन जो बोला है वो कम्प्लीट कर दें। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है ET मार्केट्स में, बताते हैं कि सेक्शन काफ़ी अच्छा है और इसमें जो ये आर्टिकल है काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको जो है कंप्लीट देखते हैं। इसमें से पहले इसमें इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली जो पूरी निफ्टी की कंपनी, आपको पता होगा निफ्टी अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ने लग रहा है, तो निफ्टी की जो कंपनीज़ हैं उनका डिविडेंड का देने का पैटर्न, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन्होंने बताया हुआ है इस न्यूज़ में। तो सर एक दो तीन चीज़ इसमें समझ लेते हैं। अगर हम अभी ये जो न्यूज़ है, ये सारे टर्म्स हैं, ये आपको इतनी उसमें समझ में नहीं आएंगे, बट अगर आप अभी से थोड़ा टर्म्स, मैं अभी आपको इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, तो अगर आप अभी से इनकी जो फुल फॉर्म डिस्कस करें, अपने माइंड में रिपीट करें, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया बनता है। अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, और अगर कमेंट ड्रॉप कर देंगे तो मैं भी बना दूँगा। तो सबसे पहली टर्म है इसमें PE। PE का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ठीक है, आप रिपीट भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं, PE का मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सेकेंड PBV, इसका मतलब है बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है, स्टैंडर्ड डिविएशन एक मतलब यूनिट ऑफ मेजर होती है, ये मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ये 5 सालों का है डिविडेंड यील्ड का। तो मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि स्टैंडर्ड डिविएशन ये है डिविडेंड यील्ड का, कि डिविडेंड पर शेयर 5 सालों में स्टैंडर्ड डिविएशन उसमें कितना है। और बीटा, बीटा इसमें, तो बीटा इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन इंडेक्स होता है कि जो US सॉरी जो पूरे स्टॉक मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस चल रही हैं उसके बेसिस पे या उसके रिस्पेक्ट में जो कंपनी है पर्टिकुलर, उसकी या एक जो फंड है उसकी पूरी कितनी फ्लक्चुएशंस चल रही हैं। तो बीटा के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, बाकी सबके बारे में आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बीटा में अगर ऐसा होता है कि 1% का मतलब होता है जीरो फ्लक्चुएशन, ठीक है, तो 1% के फ्लक्चुएशन से हायर अगर होता है, और अगर तो उसको कहते हैं कि मतलब ये हाईली फ्लक्चुएटिंग है, मतलब उसमें रिस्क ज़्यादा है, पर हालांकि रिस्क जो रिटर्न की कंसिड्रेशन है वो भी ज़्यादा है। और 1% से कम अगर बीटा होता है तो उसका मतलब होता है कि पॉजिटिव है, मतलब उसके अंदर, उस चीज़ के अंदर या उस इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क कम है। तो यहाँ पे 0.79 निफ्टी का जो है बीटा चल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि ये 1 के काफ़ी क्लोज है, 0.8 के क्लोज है, तो इसको एक मॉडरेट रिस्क कह सकते हैं। न्यू ऑडिट नॉर्म्स इज टू इंश्योर न्यू रिपीट ऑफ पास्ट फियास्को। तो आपको पता होगा न्यू ऑडिट के नॉर्म्स आए हैं, इसमें आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें कॉन्सेप्चुअल नहीं है ज़्यादा। तो न्यू ऑडिट मतलब होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी चेकिंग होती है, जो CA करते हैं बेसिकली, तो वो उनके नए रूल्स आए हैं, तो वो और CA से वो काफ़ी ज़्यादा इंकरेज भी कर रहे हैं वो रूल्स। तो ये न्यूज़ है। और नेक्स्ट में आते हैं ब्रोकरेजेस टर्न अ बिट कॉशियस ऑन स्टील। तो इसमें यह जो स्टील कंपनीज, मैंने आपको बताया था स्टील कंपनीज के नए इंडेक्स आए हैं, क्योंकि अब उनकी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल चल रही है, तो उनकी वजह से अगर COVID 2.0 की रिकवरी नहीं हो पाती है तो वो निफ्टी से भी काफ़ी सारी स्टील की कंपनीज गिर चुकी हैं। तो उसमें यार ये कि जो ब्रोकरेज फॉर्म्स हैं वो स्टील की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये न्यूज़ है। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, ये हमारा ऑलमोस्ट हमारा पूरा न्यूज़ पेपर कवर हो चुका है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, कि मैंने आपको बता दिया CA इज़ वेलकम न्यू RBI न्यू ऑडिट रूल्स, RBI के न्यू ऑडिट के जो रूल्स हैं वो CA ने इंकरेज कराया उनको। और आगे चलते हैं नेक्स्ट, उसमें कोटक नोट्स शॉर्ट टर्म फिस्कल एक्शन मोड जैप्स ऑलमोस्ट पूरा कवर है। एक न्यूज़ का आर्टिकल है काफ़ी अच्छा है, वो
वो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने आपको बताया मेहुल चौकसी हेल्ड इन डोमिनेशिया, इसमें ये एक डोमिनेशिया में जो पकड़े गए हैं ये PNB फ्रॉड के अंदर जो है इन्वॉल्व थे, मैंने आपको बताया था कल भी। कल ही इनकी न्यूज़ आई थी कि ये लॉस्ट हैं और कल ये फाउंड हो चुके हैं। तो ये एडिटोरियल सेक्शन आप आ गए हैं, ड्राइविंग डेली टू ग्राउंड, ये इनका आर्टिकल है आर्घ्य और आदित्य का। और इस भारत सरकार और ट्विटर सरकार, ये काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल आर्टिकल है। श्रीवास्तव कृष्णा का टेरिबल ऑप्टिक्स जेनुइन क्रोस, ये सुबिमल भट्टाचार्य जी का आर्टिकल है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक न्यूज़ का आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मिस हो गया, वो बीच में था मैं एक। तो ये है वो आर्टिकल, ये कंपनीज पॉलिसी ऑफ प्रॉफिट के अंदर आता है। इसके अंदर कंपनी कई स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड कई अच्छे अच्छे आर्टिकल आते रहते हैं। तो ये एक उनमें से है कि अदानी रेलवेज एंड GMR 7 others एलिबल टू बिल्ड फॉर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अपग्रेड। तो इसमें पहले बताता हूँ कि न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन अपग्रेड का मतलब है कि जो रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, मतलब रिकन्स्ट्रक्शन नहीं कहना चाहिए इसको, मतलब कि बेसिकली थोड़ी इंप्रूवमेंट हो रही है, रेनोवेशन जिसको कहते हैं वो हो रहा है। तो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने ये 6500 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट निकाला है, पूरा टेंडर निकाला है। इसके लिए बिडिंग के लिए जो कंपनीज हैं एलिजिबल हैं वो ये हैं, अदानी रेलवे, GMR, और मैं आपको बताता हूँ ये कवर हो चुका है, अरेबियन कंस्ट्रक्शन, एंकरेज, कालपात्रु, पावर ट्रांसमिशन आर अमंग 9 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज। तो इसके अंदर यार इसमें दो बातें नोट करने वाली हैं कि अगर आप इंट्राडे अगर कोई ट्रेडिंग करते हैं या फिर वैसे भी ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये कौन जीतता है, मतलब कौन इसके में बिडिंग्स लगती हैं, तो कौन उसको विन करेगा इस टेंडर को, उससे इनके स्टॉक प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात यार इसमें ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उससे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ कंपनी जैसे अरेबियन कंस्ट्रक्शन एक UAE बेस्ड कंपनी है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये था हमारा पूरा इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इसमें दो बातें हैं कि जो PDF है उसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, और दूसरी बात जो आपको कमेंट करना हो कमेंट करो यार इसको, वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको लगता हो उसको कमेंट करो। तो इसमें क्या होता है यार कि थोड़ा वन वे सा कम्युनिकेशन, मैं आपको कल भी बोला था, तो थोड़ा सा ऐसे फील नहीं होता कि जो रियल कोई यूज़र है वो देख रहे हैं। तो आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको लगता हो। थैंक यू।